चंदा मामा दूर नहीं वाली कविता तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, वही चांद जिसको हम और आप अमूमन कविताओं में पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब चंदा मामा कविताओं में नहीं बल्कि हकीकत में दिखेंगे, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो कामयाबी का एक और कदम चूमने की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल इसरो ने अपने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर ट्वीट कर पूरे भारत को गुड न्यूज दे दी है। वो ये कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की दूसरी डिबूस्टिंग सफल रही। सबसे पहले तो आप डिबूस्टिंग को जान लीजिए। डिबूस्टिंग का मतलब है रफ्तार कम करने की प्रक्रिया, जिसके तहत चंद्रयान को अगली ऑर्बिट में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से ये चंद्रमा की सतह के बहुत करीब आ गया है। फिलहाल चंद्रयान 113 किलोमीटर एक्स 157 किलोमीटर की ऑर्बिट से 25 किलोमीटर एक्स 135 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी 25 किलोमीटर ही बची है। विक्रम लैंडर रेट्रो फायरिंग मोशन में है, यानी वो उल्टी दिशा में घूम रहा है, साथ साथ अपनी ऊंचाई और गति को कम कर रहा है। चंद्रयान की सफलता के लिए देश भर में हवन पूजन किए जा रहे हैं। शिव की नगरी वाराणसी में लोगों ने मिशन चंद्रयान की कामयाबी के लिए विशेष हवन पूजन किया। हाथों में चंद्रयान की फोटो और तिरंगा के साथ लोगों ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। दूसरी तरफ रूस का लूना 25 मून मिशन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रास्ते से भटक गया है। रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 में ऑर्बिट बदलने के दौरान शनिवार को इमरजेंसी की स्थिति बन गई। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। खैर, अगर रूस के मिशन में गड़बड़ी होती है तो वो चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर पाएगा, और ये भारत के लिए गौरव का विषय होगा।